काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। दिल्ली से मिली दवा की नई खेप, प्रदेश में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में पसर रहा कोरोना, आज अब तक 116 नए मामले। बीबीएन में लंगर भंडारों पर रोक, पुलिस को नजर रखने के निर्देश। कोरोना की धमक से शिमला चौकन्ना, टेस्टिंग तेज करने के निर्देश। मुख्यमंत्री की दो टूक, नगर निगम मेयर के लिए नहीं बदलेगा रिजर्वेशन पैटर्न। हिमाचल आ रहे राकेश टिकैत, किसान आंदोलन को जुटाएंगे समर्थन। हाईवे पर बलकर की ब्रेक फेल, लहराकर सड़क किनारे गिरी गाड़ी। कसौली में लाइट कैमरा एक्शन शूटिंग में पहुंची मशहूर अभिनेत्री। शहमात का खेल खेलेंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चे, विभाग ने दिए शतरंज का खेल शुरू करने के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना मामले बढ़ने के समाचारों से सचेत जरूर रहें, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि हिमाचल में वैक्सीनेशन ने गति पकड़ ली है। केंद्र सरकार की ओर से 1,60,000 कोरोना डोज और मिलने से हिमाचल में वैक्सीनेशन ने गति पकड़ ली है। 24 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में 16,899 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। चंबा में 10,712, हमीरपुर में 16,297, कांगड़ा में 40,545, किन्नौर में 3,713, कुल्लू में 11,977, लाहौल स्पीति में 1,521, मंडी में 40,862, शिमला में 22,673, सिरमौर में 1,171, सोलन में 6,310 और ऊना जिला में 16,309 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। हिमाचल में कोरोना फिर एक्टिव हो गया है। ऊना में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने सबकी नींद उड़ा दी है। गुरुवार को प्रदेश में 116 नए मरीज सामने आए, इनमें अकेले ऊना के 67 मामले हैं। प्रदेश की कोरोना अपडेट पर डालिए एक नजर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर डराने लगा है, खासकर ऊना जिला में इसका कहर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 116 नए मामले आए, इनमें से 67 मामले अकेले ऊना जिला से हैं। वहीं राहत भरी खबर यह है कि अंतिम सूचना तक कोरोना के चलते किसी की भी जान नहीं गई है। बता दें कि हिमाचल में कोरोना के कुल मामले 61,395 पहुँच गए हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 58,672 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,691 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में प्रशासन चौकन्ना हो गया है, इसी कारण यहां कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बीबीएन में प्रशासन ने लंगर भंडारों और अन्य गैर जरूरी सामाजिक समारोहों पर अगले आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उपमंडल प्रशासन ने यह कदम कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर उठाया है। बता दें कि बीते दो दिनों में यहां कोरोना के 69 नए केस सामने आए हैं। बुधवार को बीबीएन में 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि आज 39 नए संक्रमित सामने आए हैं। ऐसे में प्रशासन हर उस गतिविधि पर रोक लगाने में जुट गया है जो कि कोरोना को बढ़ाने की वजह बन सकती है। इसी कवायद में एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्र में रोक आयद की है। यही नहीं, आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदारों सहित पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। ध्यान रहे कि बीते वर्ष बीबीएन में कोरोना की पहली लहर के दौरान करीब 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए थे, जबकि लगभग 50 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। पिछले कुछ दिनों से जो बीबीएन में है कोविड केसेस में वापस उछाल देखा गया है। पिछले दो दिनों में जैसे हमारे लगभग 70 के लगभग केस आए हैं, तो ये बड़ा चिंताजनक है। इसको लेकर हमने, जैसे प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी है। हमने डीसीसी का जो कोविड केयर सेंटर है, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, उसको वापस स्टार्ट कर दिया है। साथ ही हमने गैर जरूरी जो भी आयोजन है सामाजिक और सांस्कृतिक, उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके तहत भंडारा, लंगर, जन्मदिन की पार्टियां, रिटायरमेंट पार्टियां या अन्य जो भी नॉन एसेंशियल प्रोग्राम है, उन सब पर आगामी आदेश तक कम्प्लीटली बैन कर दिया है। और साथ ही सभी आयोजनों के लिए, अन्य सभी प्रकार के आयोजन, चाहे वह आवश्यक है या गैर जरूरी है, उन सब के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया है।
इसके अलावा इंडस्ट्री को हमने निर्देश दिया है कि अपनी 10% कैपेसिटी जो है वर्कफोर्स की, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर है, उसकी फैसिलिटी को फिर से स्टार्ट करें वो। और इसके लिए हमने डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को जो है ऑर्डर कर चुके हैं। बाकी जो सेकेंड जो सबसे बड़ी बात हमारे लिए है वो ये कि जो हमारे केसेज है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो जिन जिन गाँवों में केसेज आ रहे हैं वहां पर हमने प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। साथ ही पटवारी और कानूनों को भी डायरेक्ट कर दिया है कि उन गांवों में विजिट करें, लोगों में जागरूकता लाएं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न करें। प्रदेश के निचले इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ते ही शिमला जिला को लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। यहाँ संक्रमण रोकने के लिए तुरंत टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीमावर्ती राज्य से सटे हिमाचल के जिलों के साथ ही शिमला में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि संक्रमण की आशंका को देखते हुए उन्हें अपने ब्लॉक में कोविड की स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी और सैंपल भी बढ़ाने होंगे। बता दें कि शिमला में संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं, लेकिन जिला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना 300 से 400 कोविड सैंपल ही जुटाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना के मामले घटने के बाद पिछले साल अक्टूबर के बाद सैंपलिंग भी घटा दी गई थी, लेकिन अब इसे रफ्तार देने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा के अनुसार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद टेस्टिंग तेज करने के लिए पूरी तैयारियां की गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना के खतरे को हल्के में ना लें और समय पर टेस्ट करवाएं। तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के लिए निर्धारित आरक्षण हरगिज नहीं बदला जाएगा। कई लोगों के लिए यह खबर बड़े आघात से कम नहीं होगी। देखिए मंडी से ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण को लेकर एक्ट बना है और उसके तहत ही सारी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। अब इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही बदलाव की बात करना भी उचित नहीं है। सीएम के इस बयान के बाद अब उन नेताओं की उम्मीद पर पानी फिर गया है जो नवगठित नगर निगमों में मेयर पद पर आसीन होने का सपना संजोए बैठे थे। एक्ट के अनुसार मंडी, सोलन और पालमपुर में नवगठित नगर निगमों में पहला मेयर एससी कैटेगरी का होगा और 2.5 वर्ष तक सिर्फ एससी कैटेगरी के पार्षद को ही इस पद पर बैठने का अधिकार होगा। उसके बाद अगले 2.5 वर्ष तक एसटी, फिर इतनी ही अवधि के लिए जनरल, उसके बाद महिला और फिर ओबीसी के लिए पद आरक्षित होगा। आरक्षण की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अभी खास तौर से शुरुआती दौर है ये, हम साथियों से हम सलाह मशवरा करने के लिए थोड़ा दूर बैठे थे, लेकिन अभी तक प्रचार करने के लिए दोबारा आएंगे अभी। लेकिन कॉर्पोरेशन बनी है, पहली बार चुनाव हो रहा है, सब लोगों में मैं देख रहा हूँ कि अच्छा एक उत्साह है। प्रोविजन है ये, इस पर अब ज़्यादा उचित कहना नहीं है कि अब इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इलेक्शन की जब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब जो निर्धारित हो गया है उस पर उचित नहीं है। देर से ही सही पर किसान आंदोलन की धमक अब हिमाचल में भी जोर शोर से सुनाई देने वाली है। बड़ी बात यह है कि स्वयं राकेश टिकैत समर्थन जुटाने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर 4 महीने से दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जल्द हिमाचल आएंगे। प्रदेश के किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए आगामी 7 अप्रैल को पौंटा साहिब के हरिपुर टोहना में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। दावा है कि इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत आंदोलन के बड़े चेहरे सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, सरदार बलवीर सिंह राजेवाल, मशहूर गायक सरदार कंवर गरेवाल, अभिमन्यु कोहाड़, डॉक्टर दर्शनपाल व अन्य बड़े नेता शिरकत करेंगे। किसानों के लिए व्यापक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से संयुक्त किसान मोर्चा पौंटा साहिब का एक प्रतिनिधि मंडल आज शिमला पहुंचा। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा पौंटा साहिब के संयोजक सरदार तरसेम सिंह सगी, सह संयोजक एवं पंचायत समिति सदस्य गुरविंदर सिंह गोपी, वरिष्ठ सदस्य एवं ग्राम पंचायत प्रधान वसीम मलिक व प्रदीप सिंह शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त किसान मोर्चा के घटक हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारियों और प्रदेश के मीडिया कर्मियों को महापंचायत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून असंवैधानिक और संघीय ढांचे की उल्लंघना है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है।
बेशक देश भर से कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, पर हिमाचल प्रदेश का आकर्षण अपनी जगह कायम है। पर्यटकों की आमद के साथ ही प्रदेश की सुरमय वादियों और पहाड़ों में शूटिंग के सिलसिले भी जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर बॉलीवुड फिल्मों और एल्बम शादी की शूटिंग का दौर गर्मियों की दस्तक के साथ ही जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में छोटे पर्दे के धारावाहिक बालिका वधु में सशक्त भूमिका निभाकर लोगों से भरपूर प्रशंसा बटोर चुकी अभिनेत्री अविका गौर इन दिनों कसौली में हिंदी गाने की शूटिंग के लिए आई हुई है। गाना जल्द ही एक बड़े म्यूजिक ग्रुप के बैनर तले रिलीज किया जाएगा। आज इसी गीत के लिए कुछ शॉर्ट स्थानीय क्राइस्ट चर्च में फिल्माए गए। इसमें उनके ऑपोजिट आदिल खान अभिनय कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान ब्रेक के बीच अभिनेत्री अविका गौर ने बताया कि वह पहले भी कसौली आ चुकी हैं, परंतु शूटिंग के सिलसिले में वे पहली बार यहां पहुंची हैं और कसौली के साथ ही उन्हें सारा हिमाचल बहुत ही पसंद है। मैम, आज जो शूटिंग चल रही थी ये हिंदी गाने की शूटिंग है? जी, ये हिंदी गाना बन रहा है और लोगों को आदिल और मेरी जोड़ी इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हुए बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हर बार हम डांस वीडियोस बनाते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी रैंडम बातें करते रहते हैं, वो अच्छा लगता है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारे फैंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सरप्राइज दे दें और एक प्रॉपर गाने के साथ आएँ। सो ये एक बहुत ही स्पेशल गाना होगा हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों का साथ में पहला, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और साथ में काम करने का मौका मिला है। सो वेरी वेरी एक्साइटेड। मैम, कसौली आप फर्स्ट टाइम आए? जी नहीं, मैं पहले एक बार आ चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं सिर्फ घूमने आई थी, तो मुझे याद कुछ नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि यहाँ बहुत ठंड थी और इस बार जब मैं आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आने का मौका मिला एंड इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। सो आई एम इवन मोर हैप्पियर और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को जल्दी से ज़रूर वापस ले आऊँ। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह। सड़क दुर्घटनाओं के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर एक और हादसा घटित हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। बिलासपुर जिला के स्वर्णघाट में आज एक बार फिर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, पर शुक्र मनाने की बात ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वायुओं के चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर बने शिव मंदिर के समीप आज सुबह करीब 8:30 बजे एक बल्कर की ब्रेक फेल हो गई। गाड़ी कीरतपुर से बिलासपुर की तरफ आ रही थी। इसी बीच चालक ने गाड़ी को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की, पर ऐसा नहीं हो पाया और बल्कर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में पंजाब की मोगा का निवासी चालक दर्शन सिंह बुरी तरह घायल हो गया। उसे गाड़ी से निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से स्वर्णघाट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने के बाद थाना स्वर्णघाट से पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कारणों की पड़ताल शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय सामने कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब और होशियार बनेंगे। स्कूलों में शतरंज के खेल को शामिल किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने अब प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में शतरंज का खेल शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए स्कूलों को अलग से बजट भी जारी कर दिया गया है। शतरंज के खेल के लिए विभाग स्कूल से ही चयनित अध्यापकों को बतौर प्रशिक्षण भी देने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बिलासपुर सुदर्शन सिंह ने बताया कि इससे पहले यह खेल अंडर 14 के स्कूलों में आयोजित होती थी, लेकिन अब इसे प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए भी शुरू किया जा रहा है। हालांकि यह आदेश 2019 और 20 में जारी हो गए थे, लेकिन कोविड के चलते यह कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई थी, लेकिन अब स्कूल खुलते ही इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में इस खेल को शुरू किया जा रहा है। और स्पोर्ट्स में हमारी जो एक नई गेम जो इंट्रोड्यूस हुई है, पहले इसको फर्स्ट चरण में किया था अंडर 14 में शुरू, लेकिन ये चेस जो है ये अब प्राइमरी में भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए हमारे को बजट जो है आया है सामान परचेज करने के लिए। इसके पीछे भी एक ही मोटिव है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट पैदा हो, IQ इम्प्रूवमेंट हो और इनके जो रीजनिंग है उनमें डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए इस गेम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे जो अब अंडर 14 के बच्चे होते हैं उनके लिए तो हमारे PET को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं JVT, उन्हीं को मास्टर ट्रेनर बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों को जो है इस जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं इस गेम में पार्टिसिपेशन के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और ये गेम जो है बहुत ही एक बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ इसको खेलते हैं और इसका काफ़ी आने वाले समय में महत्व तो बढ़ेगा और बच्चों के अंदर IQ की डेवलपमेंट होगी और मैथ में ये विशेषकर
जब रीजनिंग डेवलपर होती है तो मैथ में बच्चे काफी इंटरेस्ट लेंगे, जिससे बच्चे जी चुराते हैं, तो ये आने वाले समय में काफी फायदेमंद। और अब चलते चलते चंबा की सलूनी में युवती से दुराचार, शादी का झांसा देकर अस्मत से खेलता रहा आरोपी युवक। नगर निगम चुनावों के बाद सुनी जाएगी निजी बस ऑपरेटरों की बात, शिमला में बैठक के बाद फैसला। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बनाए जाएंगे शौचालय, सामाजिक न्याय विभाग ने मंजूर किए 7.5 करोड़। डॉक्टर रोशन लाल शर्मा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति, राष्ट्रपति की ओर से सौंपा गया अहम दायित्व। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।